अब अपने फ़ोन पर है और इस वीडियो में हम देखने वाले फ्रेंड्स कि कैसे हम गूगल से कोई भी फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। ये रहा फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र, आप चाहे तो किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जिस भी फ़ोटो को आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसका नाम आपको सर्च कर लेना है। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रश्मिका मंडाना का फ़ोटो डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च किया, नाम लिखा और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। उसके बाद आपको इमेज पर क्लिक कर लेना है। इमेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रश्मिका मंडाना का, जैसे कि मैं यहाँ पर डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, तो इसी तरह से आप जो भी सर्च करेंगे उसका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा बहुत सारा। अब जो भी फ़ोटो को डाउनलोड करना है उस फ़ोटो को आप इस पर क्लिक करके रख सकते हैं। जैसे कि ये फ़ोटो को डाउनलोड करना है तो इस पर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड इमेज का एक ऑप्शन खुल करके आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। चलिए एक और इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। ये एक इमेज है, इस इमेज को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको भी लॉन्ग प्रेस करेंगे, देन यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। और चलिए मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। अगर इस फोटो को आप डाउनलोड करना चाहते हैं लॉन्ग प्रेस कीजिए, डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। हमने तीन फोटो डाउनलोड कर लिया। जो भी आप फोटो डाउनलोड करेंगे वो सब आपके गैलरी में आ जाएंगे। गैलरी को ओपन कीजिए। गैलरी को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं जो भी हमने फोटो डाउनलोड किया है वो सारे के सारे फोटो यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसी तरह से आप भी गूगल से कोई भी फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।